गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विट्स कॉलेज ऑनलाइन टीचिंग क्लास। ओके, आज हम फिर न्यू लेक्चर के साथ मिलेंगे। हिंदी आपका न्यू लेक्चर है और आपको आज हिंदी में आपको न्यू लेटर भी करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रेयर। ओके, प्रेयर से हम स्टार्ट करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओके, नेक्स्ट है हमारा, फर्स्ट आई शो योर ऑल बुक्स एंड फर्स्ट चेक आउट योर ऑल बुक्स। टीचर आपको बुक सारी शो करेगी, आपको बुक निकाल कर रखना है। ओके, अक्षर माधुरी, गीत माधुरी, हिंदी वर्ब बुक एंड पिक्चर बुक। ओके, तो आपको ये साइड में चारों बुक, फोर बुक्स आपको निकाल कर रखनी है। ओके, सो आर यू रेडी फॉर स्टडी? ओके, नाउ वी स्टार्ट वॉवल्स। पहले हम ओरल करेंगे। ओरल में क्या करना है हमको? वॉवल्स, ये अ से लेकर आम तक ये सारे वॉवल्स होते हैं, इनको बोलते हैं स्वर। ओके, और आपको टीचर के साथ ओरल करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट। अ से अनार, अ से अनार, अ से आम, अ से आम, ई से इमली, ई से इमली, बड़ी ई से ईक, बड़ी ई से ईक, ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू, बड़े उसे ऊन, बड़े उसे ऊन, रू से ऋषि, रू से ऋषि, ए से एड़ी, ए से एड़ी, आई से ऐनक, आई से ऐनक, ओ से ओखली, ओ से ओखली, औ से औरत, औ से औरत, अम से अंगूर, अम से अंगूर, अहम, अहम। ओके, वी फिनिश ओरल ऑल वोवेल्स। अ से आम तक आज हमने पूरा ओरल आपको टीचर ने चार्ट में से शो करी। ओके, देन नेक्स्ट आपको निकालना है हिंदी वर्ब बुक। ओके, आओ लिखिए अक्षर। हिंदी वर्ब बुक है ना आपके पास? ओके, नाउ ओपन योर पेज। हमने लेक्चर सिक्स में प्रैक्टिस में करा था ना स्टैंडिंग लाइन, स्लेंटिंग लाइन। ओके, आज हम हिंदी लेक्चर सेवन में करेंगे। पेज नंबर फोर निकालना है आपको, ये भी आपका प्रैक्टिस पेज है। ओके, तो आपको शेप्स प्रैक्टिस में करना है। ओके, लेक्चर नंबर सेवन। नाउ आपको ये टू स्लेंटिंग लाइन वी शेप बनाना है। ओके, वन स्लेंटिंग लाइन देन अनादर स्लेंटिंग लाइन, वन स्लेंटिंग लाइन देन अनादर, इसी को आपको कंटिन्यू करना है। ओके, डॉट पर ट्रेस करना है, वन स्लेंटिंग लाइन, टू स्लेंटिंग लाइन। आपको डॉट पर पेंसिल टाइट पकड़कर, और पेंसिल आपकी शार्प होनी चाहिए, और वन एंड में आपका पेंसिल एंड सेकेंड एंड विथ योर इरेजर। ओके, आपको लेक्चर में आपको पेंसिल इरेजर लेकर रेडी रहना है। ओके, आपको ये ऐसे शेप कंटिन्यू करना है। ओके, फिनिश, तो ये आपका कंटिन्यू। देन सेकेंड में आपको जिगजैग बनाना है। ओके, तो जिगजैग में आपको वन इसी को कंटिन्यू करना है, डाउन टू अप, नीचे ऊपर, और पेंसिल को मूव नहीं करना है और अप नहीं करना है, पेंसिल उठाना नहीं है, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नी अप डाउन, अप डाउन। ओके, आपको ऐसे कंटिन्यू करना है। सेकेंड लाइन में भी आपको ऐसे ही कंटिन्यू करना है, अप डाउन, अप डाउन, और स्लोली स्लोली करना है, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ओके, तो ये आपको टू आपका पूरा फिनिश करना है आपको पेज नंबर फोर।
नाउ टेक आउट या पेज नंबर 5 में भी आपका ये एक्स्ट्रा वर्क है. ओके आपको ये शेप प्रॉपर बनाना है. सी का कैट आता है ना आपको, कर्व शेप, कर्व शेप, कर्व शेप. ओके तो ये भी आपको कंप्लीट करना है. देन सेकंड कर्व शेप, लीडर डॉग में हमने सेकंड कर्व शेप बनाया था ना, सेकंड कर्व शेप. ओके फिनिश. आपको ये 2 पेज आपको कंप्लीट कर रखना है. ओके नाउ टर्न योर पेज. नाउ टेक आउट योर पेज नंबर 8. 8 में हमने फर्स्ट लेटर क्या कंप्लीट करा था लेक्चर 1 में, से अनार, से अनार. देन दिस वन इज योर होमवर्क. ओके सेकेंड लेक्चर में हमने करा था से आम, से आम, और ये आपका होमवर्क. थर्ड लेक्चर में हमने करा था ई से इमली, ई से इमली. दिस वन इज योर होमवर्क. फोर्थ लेक्चर में क्या करा था हमने, बड़ी से ईख, बड़ी से ईख. दिस वन इज योर होमवर्क. ओके नेक्स्ट लेक्चर में 5 में हमने करा था उसे उल्लू, उसे उल्लू. दिस पेज इज योर होमवर्क. ओके नाउ लास्ट लेक्चर में हमने करा था लेक्चर नंबर 6, बड़े उसे ऊन, बड़े उसे ऊन. ओके और ये आपका पेज नंबर 19 आपका क्या था, होमवर्क. आई होप यू फिनिश योर वर्क, और नहीं भी हुआ है तो आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहना, बाकी सारा जो आपका पेंडिंग वर्क है उसको फिनिश कर कर. ओके तो आपको 19 तक पूरा पेज कंप्लीट करना है. ओके उसे ऊन, ओके उसे ऊन आपका क्लास वर्क, एंड देन सेकेंड पेज इज योर होमवर्क. तो आपको ये फिनिश कर कर रखना है. अब आज हम करेंगे न्यू एक्सरसाइज, आज हमको एक्सरसाइज करना है. ओके आपका आज इसमें रिटर्न वर्क नहीं है, ओनली एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में आपको निकालना है पेज नंबर 20 एंड 21. ओके तो आपका ये लेक्चर नंबर है 7. आपको टीचर ये क्लास वर्क कराएगी तो आपको यहाँ मैच करना है से आम. आपको लेक्चर नंबर 7 है ना ये भी आपका, तो ये आपका होमवर्क रहेगा. ओके तो चलो कंटिन्यू करेंगे हम पेज नंबर 20. आपकी ये पिक्चर बुक दिख रहा है ना, पिक्चर पेज निकालो. ओके टेक आउट ये दिस वन पेज. ओके इसमें क्या एक्सरसाइज दिया है, प्रत्येक चित्र के पहले 1 पर गोला बनाओ. आपको जो पिक्चर दिया है उसको आपको आइडेंटिफिकेशन करना है. आपको 2 लेटर दिया हुआ है. ओके तो 2 लेटर में से आपको लेटर पिक्चर आइडेंटिफाई कर उसको सर्कल बनाना है. क्या बनाना है, सर्कल. वेरी गुड. तो टीचर के साथ आपको भी रीड करना है. और आपको ना फर्स्ट पिक्चर इज, आपको पता है ना फर्स्ट पिक्चर. ओके वेरी गुड. उसे ऊन, बड़े उसे ऊन. तो अब आपको पता है बड़े उसे ऊन ये है या ये है. आपको 2 लेटर आपको मेंशन करा हुआ है, तो 2 लेटर में से आपको देखना है बड़े उसे ऊन कौन सा है. तो ये उसे उल्लू है और ये है बड़े उसे ऊन. तो बड़े उसे ऊन में हमको क्या करना है, और प्रॉपर सर्कल बनाना है पूरे लेटर के अंदर. ओके फिनिश. और सर्कल भी आपका लेटर के अंदर, लेटर पूरा अंदर आना चाहिए. ओके अब एक सर्कल बनाना है. फिनिश फर्स्ट पिक्चर. नाउ सेकेंड वन इज, वेरी गुड, ये आपको आता है. ओके वेरी गुड. अ से अनार, अ से अनार. आपको यहाँ 2 लेटर दिया है, अ से अनार, आ से आम. तो ये किसका पिक्चर है, आ से अनार. तो अ से अनार हमारा ये है फर्स्ट. तो इसको हमको क्या करना है, सर्कल. ओके फिनिश वेरी गुड. नाउ थर्ड सेकेंड वन इज, आपका सेकेंड रो में क्या है, किसका पिक्चर है, ई से इमली, ई से इमली. तो ई से इमली आपको ई से इमली भी दिया है और बड़ी ई से ईक भी दिया है, पर हमारा ये पिक्चर आइडेंटिफिकेशन करना है. तो ई से इमली, तो ई से इमली देखो हमारा ये है, तो ई से इमली को हमको सर्कल करना है. ओके फिनिश. ओके द नेक्स्ट वन इज, वेरी गुड, आ से आम, आ से आम. तो आपको पता है ये 2 लेटर, उसे उल्लू और आ से आम. तो आपको पिक्चर आइडेंटिफाई करना है आ से आम को, क्या करना है हमको,
सर्कल फिनिश ओके देन द लास्ट वन इज ओके आपको तो आता है उसे उल्लू तो उसे उल्लू पता है ना आपको वेरी गुड उसे उल्लू आपका देखो उसे उल्लू लिखा है उसे उल्लू को सर्कल करना है फिनिश और लास्ट में है आपका बड़ी से ई तो ये आपका आ गया बड़ी से ई चलो एक बार टीचर आपको फिर से रिवाइज करवा देती है और आप देखो आपने सर्कल बराबर बनाया हुआ कि नहीं बड़े उसे ऊन बड़े उसे ऊन ओके से अनार ओके चेक करना है आपको ई से इमली आप बड़े आ से आम फिनिश उसे उल्लू बड़ी से ईक ओके ओके अब आपका है यहाँ पेज नंबर 21 आपको ये होमवर्क है आपका आपको मैचिंग करना आता है ना पिक्चर आइडेंटिफिकेशन आपको बता रही है टीचर आपको मैचिंग करना है आपको टीचर के साथ आता है तो आप टीचर के साथ भी करो ये देखो आपको पिक्चर दिया है बड़े उसे ऊन का अनार आम उल्लू एंड लास्ट वन इज इमली तो आपका फर्स्ट पिक्चर क्या है फर्स्ट पिक्चर इज योर उसे ऊन तो हमने उसे ऊन करा था ना तो आपको उसे ऊन को आपको प्रॉपर मैच करना है ओके ये आपका होमवर्क है आपको होमवर्क भी आता है तो ठीक है सॉरी बच्चों इट्स माय मिस्टेक उसे ऊन आपको उसे ऊन में मैच करना है ओके उसे ऊन देखो आपका लास्ट में है ओके नाउ सेकेंड वन इज आपका उसके पास कौन सा पिक्चर है से अनार तो आपको पता है से अनार तो से अनार के पास आपको मैच करना है ओके चलो मैच कर लो ओके देन उसके बाद है आसे आम आपको पता है चलो मैच कर लो ओके फिनिश फिर उसके बाद है उसे उल्लू देखो आपको टीचर ने बताई है ना उसे उल्लू ये आपको ऊपर मैच करना है उसे उल्लू फिनिश एंड द लास्ट वन इज इसे इमली तो आपको ये इसे इमली आपको मैच करना है तो ये आपका होमवर्क है इसके अकॉर्डिंग आपको मैच करना है ओके आपको फर्स्ट पेज टीचर ने बता दिए नेक्स्ट टाइम आपका ये एक्सरसाइज होमवर्क मिल जाएगा ओके ओके अब नाउ टेक आउट योर पेज नंबर 22 लेक्चर नंबर 7 आपका भी ये आपको यहाँ लेटर लिखना है ओके आपको लेटर लिखना आइडेंटिफिकेशन पिक्चर आइडेंटिफिकेशन करना है और आपको पेंसिल से ही लिखना है ओके यू राइट योर पेंसिल आपका पिक्चर कौन सा है ये उसे उल्लू स्लीपिंग लाइन और ब्लू लाइन तक ब्लू लाइन में स्लीपिंग लाइन बनाना है ओके रेड लाइन में नहीं बनाना है ओके ब्लू लाइन में स्लीपिंग लाइन बनाना है और 3 नंबर बनाना है उसे उल्लू फिनिश ओके अब यहाँ नेक्स्ट लाइन है आपका पिक्चर है इसे इमली तो इसे इमली में भी आपको ब्लू लाइन से स्टार्ट करना है और ब्लू लाइन में ही फिनिश करना है स्टैंडिंग लाइन एस शीप देन स्लेंटिंग लाइन इसे इमली फिनिश देन सेकेंड वन इज आपका क्या है आसे आम में भी आपको पहले स्लीपिंग लाइन करना है स्लीपिंग लाइन को टच कर आपको 3 बनाना है स्मॉल स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन पहले आसे अनार बनाना फिर उसके बाद 1 स्टैंडिंग लाइन कर देना स्पेस देकर तो ये क्या बन गया आपका न्यू लेटर आसे आम अब ये किसका पिक्चर है बड़े उसे ऊन तो बड़े उसे ऊन में भी आपको स्लीपिंग लाइन टच करना है 3 लेटर बनाना है उसे उल्लू और फिर आपको स्लीपिंग लाइन कर नीचे बनाना है उसे ऊन ओके अभी आपका नेक्स्ट पिक्चर क्या है बड़ी से ईक में भी आपको स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन ऐसा शेप देन सेटिंग लाइन ये आपका इसे इमली बना दिया अब ऊपर आपको छोटा सा कर्व शेप देना है सी बनाना ये आपका न्यू लेटर बन गया बड़ी से ई ओके देन द लास्ट वन इज से अनार तो से अनार भी आपको आता है 3 बनाओ 1 बनाओ और इसको ज्वाइन कर दो स्लीपिंग लाइन से ओके दिस योर फिनिश योर पेज नंबर 22 ओके नाउ अब आपका ये होमवर्क रहेगा तो आपको ये कैसे आइडेंटिफिकेशन करना है आपको टिक करना है जो पिक्चर है उस लेटर के सामने आपको टिक करना है
राइट करती है ना टीचर, आपको बताएगी टीचर कैसे। बड़ी से ईक, ये किसका पिक्चर है, बड़ी से ईक। तो देखो ये बड़ी से ईक है क्या? नो, ये है ना, तो इसके सामने जो सर्कल दिया है सर्कल के सामने आपको राइट करना है। ओके, बड़ी से ईक। अब ये टीचर आपको बता रही है, अब आपको खुद करना है। ये किसका पिक्चर है? ऊ से उल्लू। तो आपको ऊ से उल्लू पता है? हाँ, तो ये आपका ऊ से उल्लू को आपको राइट करना है। ओके, टीचर आपको एक बार क्लियर कर रही है कैसे करना है। वैसे ही ये देखो, आ से आम। तो आपको पता है आ से आम कहाँ है? राइट, वेरी गुड, आ से आम। उसके बाद ई से इमली। इसे इमली आपको पता है ना? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज अ से अनार। अ से अनार आपको पता है? ओके। एंड द लास्ट वन इज उसे ऊन। तो उसे ऊन आपको पता है? ऐसे आपको एक्सरसाइज फिनिश करनी है। तो आज आपको टीचर ने लेक्चर नंबर 7 में पेज नंबर 20 और 21 और 22 और 23 कराया। ओके, आज आपका यही वर्क है वर्कबुक में, हिंदी में नोटबुक में कोई वर्क नहीं। और आपका जो भी पेंडिंग वर्क है आपको ये पेज तक फिनिश करना है। ओके, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू लेक्चर में न्यू वर्ड करेंगे। ओके, नाउ टेक आउट योर राइम्स बुक। आपको अब राइम्स बुक निकालना है। राइम्स बुक में आपका तो फेवरेट है ना राइम्स, तो टीचर आपको राइम्स कराएगी। ओके, नाउ टेक आउट योर पेज नंबर 7। ओके, सोनू दूध बताशा। टीचर के साथ बोलो, सोनू कितना अच्छा लड़का, सोनू कितना अच्छा लड़का, माँ को बिल्कुल नहीं सताता, माँ को बिल्कुल नहीं सताता, माँ देती जब दूध बताशा, माँ देती जब दूध बताशा, बैठ खुशी से पीता खाता, बैठ खुशी से पीता खाता। फिनिश, नाउ टर्न योर पेज, टेक आउट योर पेज नंबर 9। मोर, अपने सुंदर पंख फैलाए, अपने सुंदर पंख फैलाए, नाच रहा जंगल में मोर, नाच रहा जंगल में मोर, घूम घूम कर नाच दिखाता, घूम घूम कर नाच दिखाता, ऊपर बादल करते शोर, ऊपर बादल करते शोर। फिनिश, नाउ टर्न योर पेज एंड टेक आउट योर पेज नंबर 10। वर्षा, वेरी गुड। वर्षा रानी जब भी आती, वर्षा रानी जब भी आती, संग में अपने बादल लाती, संग में अपने बादल लाती, मेंढक मोर पपिया बोले, मेंढक मोर पपिया बोले, धरती हरी भरी हो जाती, धरती हरी भरी हो जाती। फिनिश, नाउ टर्न योर पेज, टेक आउट योर पेज नंबर 12। पेज नंबर 12। ओके, आम। आम फलों का है राजा, आम फलों का है राजा, कर देता मोटा ताजा, कर देता मोटा ताजा, चटनी बना लो या अचार, चटनी बना लो या अचार, होता सदा ही जयकेदार, होता सदा ही जयकेदार। फिनिश, नाउ टर्न, टेक आउट योर पेज नंबर 13। मछली से, टीचर के साथ बोलो, मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। ओके, फिनिश, नॉट टर्न योर पेज। आज आपकी ये राइम्स फिनिश। ओके, घर पर आपको डेली राइम्स भी करना है। ओके,
Now it's turn your picture book. Okay, it's your favorite book. Okay, now turn your page. Take out your page number. आपको turn करना है और निकालना है domestic and pet animals. Page number 10 और page number 11. आज हम करेंगे domestic and pet animal and wild animals. Okay, आपको तो अब यहाँ continue हो गया है, तो अब आप तो पिक्चर आइडेंटिफिकेशन अच्छे से कर सकते हो. अब आपको टीचर के साथ बोलना है. डोमेस्टिक एनिमल, कैमल, कैमल, काउ, काउ, बफेलो, बफेलो, डॉग, डॉग, कैट, कैट, शिप, शिप, डोंकी, डोंकी, हॉर्स, हॉर्स, गोट, गोट. ओके, इट्स योर फिनिश योर डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल. नाउ टेक आउट पेज नंबर 11, वाइल्ड एनिमल. ओके, वाइल्ड एनिमल. ओके, नाउ लायन, लायन, जिराफ, जिराफ, ज़ेब्रा, ज़ेब्रा, टाइगर, टाइगर, फॉक्स, फॉक्स, एलिफेंट, एलिफेंट, डियर, डियर, बियर, बियर, लेपर्ड, लेपर्ड. ओके, नाउ इन जीके पिक्चर आज हमने क्या है, डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल एंड वाइल्ड एनिमल. ओके, अब हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम फिर मिलेंगे. आज आपका हिंदी का न्यू लेक्चर नंबर 7 फिनिश हुआ है. अब हम न्यू लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे. आई होप यू आर वेल. ओके, बाय.